अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको शाही टुकड़े की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो हम दूध ले लेंगे। दूध 1 लीटर लेंगे, ब्रेड स्लाइसेस 9 ले लेंगे और उसको काट लिया है मैंने और उसके 2 स्लाइस कर लिए हैं। शक्कर की ज़रूरत होगी, चीनी हम लोगों ने 3/4 कप लिया है या 250 ग्राम लेना है। पिस्ता 40 ग्राम लेना है, बादाम 40 ग्राम, इलायची पीसी हुई 1 चम्मच, ज़ाफ़रान थोड़ा सा लेना है और जर्दे का रंग भी थोड़ा सा। ये कॉर्नफ्लोर है, ये दूध को गाढ़ा करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके लिए मैंने 4 चम्मच इसकी ज़रूरत होगी। और कंडेंस्ड मिल्क है और घी फ्राइंग के लिए। सबसे पहले हमने दूध को बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें हम शक्कर और इलायची पाउडर डाल देंगे। फ्राइंग पैन रख दिया है, उसमें मैंने घी डाल दिया है। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप लोग चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ। स्लाइस मैंने पहले से ही काट लिए थे और अब ये फ्राइंग पैन में डाल दिए। जब डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन करना चाहें तो लाइट ब्राउन कर लें, वरना डार्क ब्राउन करके मैं इसको बाहर निकाल लूँगी ऑयल से। दूध बॉयल होना शुरू हो गया है, अब इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर लेती हूँ। 80 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क मैंने डाल दिया है इसमें। इससे दूध में फ्लेवर आता है और बहुत जायका अच्छा हो जाता है। दूध को बहुत देर तक पकाना है और गाढ़ा करना है दूध को। इतना पकाएं कि खूब अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। कंडेंस्ड मिल्क के बाद मैंने इसमें ज़ाफ़रान और जर्दे का रंग भी डाल दिया है और ये भी दूध के साथ पकता रहेगा और इसमें दूध का कलर अच्छा आ जाएगा। इसमें मैं कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर देती हूँ ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर का कलर यहाँ ऑरेंज आ रहा है तो वो चमचा मैंने जर्दे के रंग का यूज़ किया है।
मैंने डिश आउट करके उसमें रखी है। अब मैं इसमें जो दूध मैंने एक घंटे तक बॉयल किया था और गाढ़ा किया था वो अब इसके ऊपर डाल दूँगी। दूध डालने के बाद थोड़ी देर के लिए फिर मैं रख दूंगी क्योंकि ब्रेड जो है वो दूध जस्ट करती है। फिर थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा और दूध शामिल कर दूंगी। दूध को अब हम दोबारा ब्रेड के ऊपर डालेंगे। पहले वाला दूध ब्रेड ने जस्ट कर लिया है, अब दोबारा दूध डालेंगे तो ये भी जस्ट हो जाएगा उसके अंदर और थोड़ा सा गाढ़ा भी रहेगा उसके साथ साथ। अब पिस्ते और बादाम से इसको सजा दें, चाहे तो आप चांदी का बर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार है। अब मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें।